मैं किस्मत की बात करना चाह रहा हूँ, डेस्टिनी, फेट, क्या चीज लिखी जा चुकी है मेरी तकदीर में क्या है, और ये एक माइंडसेट है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फिलॉसफी है लाइफ की कि आप दो एक्सट्रीम्स में रह सकते हैं, या तो आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो कि हर चीज लिखी जा चुकी है, इसका मतलब है कि फिर मैं जो भी करूं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि रिजल्ट तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। दूसरा तरीका रहने का यह है कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है, कि जो भी डिसीजन मैं लूँ, जो भी मेरे एक्शंस होंगे उसके ऊपर मेरी तकदीर खुद ब खुद बनती जाएगी। तो इन दो एक्सट्रीम्स के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हम समवेयर इन द मिडिल आ जाएँ, समवेयर इन द मिडिल, एक ऑब्वियसली रिलीजियस एस्पेक्ट है जिसमें आप जो मेरे जो मुसलमान सुनने वाले हैं उनको तो यकीन रखना होगा कि आपकी किस्मत लिखी जा चुकी है, लेकिन उसमें भी तो अगर थोड़ा डीपर एलिमेंट में जाया जाए तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग किस्मत लिखी तो जा चुकी है, लेकिन आपके डिसीजंस भी आपके हाथ में दिए गए हैं, आपके एक्शंस भी आपके हाथ में दिए गए हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें मालूम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके एक्शंस के ज़रिए खुलते जाएंगे और आप जो है उस अपनी ज़िंदगी को, अपने मकसद को पूरा करते जाएंगे। तो किस्मत लिखी भी जा चुकी है लेकिन आपके कंट्रोल में भी हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इस कॉन्सेप्ट में उलझने के बजाय सिर्फ अवेयर होकर इसको आगे लेके चलते हैं थोड़ा, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे जिन्होंने एक बात कही कि आप ज़िंदगी की किसी भी थ्योरी को मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब उन्होंने ये बात कही थी तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि भाई आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं तो इसलिए आप हर चीज़ जो है वो मैथमेटिक्स में, जिस तरह के वो अगर किसी के पास किसी चीज़ का इलाज हो तो बस वो वही दवा बेचेगा, तो अगर आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं तो आप कह रहे हैं दुनिया की ज़िंदगी की हर चीज़ जो है वो मैथमेटिक्स पे एक्सप्लेन हो सकती है। लेकिन उन्होंने फिर एग्जांपल्स दी है जिसमें वाकई आप डिफरेंट सिचुएशंस को किसी इक्वेशन में अगर फिट करें तो वाकई एक जबान है मैथमेटिक्स की जो कि आप दुनिया पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा गौर किया, तो अगर हम एक इक्वेशन बनाएं वेरिएबल्स की और कहें कि आपके जितने भी एक्शंस हैं वो एक लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है जिसमें आप ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इसी तरह लोगों जो आपके अराउंड जो लोग हैं उनके एक्शंस हैं, उनके डिसीजंस हैं, वो भी उसी इक्वेशन के अंदर, लाइफ इक्वेशन अगर हम कहें, जिंदगी की इक्वेशन, तो उसमें उस इक्वेशन में बैठते हैं और उन सब चीज़ों का इवेंचुअल जो रिजल्ट है इक्वल टू के इस तरफ, वो फिर आपकी जो है वो ज़िंदगी है और वही जो है वो और लोगों की भी ज़िंदगी है। तो अगर एक दुनिया पूरी चल रही है और हर कोई अपनी लाइफ की इक्वेशन के ऊपर चल रहा है, आप उनकी दूसरे लोगों की इक्वेशंस को अफेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी इक्वेशन को अफेक्ट कर रहे हैं और एंड में रिजल्ट आता जा रहा है, तो ये एक जिंदगी को एक्सप्लेन करने का मैथमेटिकल तरीका है। लेकिन इसमें जब मैं किस्मत की बात दोबारा लाऊं, तो अगर आप उस थ्योरी पे चल रहे हैं कि हर चीज़ किस्मत में लिखी जा चुकी है और तकदीर में लिखी जा चुकी है, तो फिर तो आप जो भी कर लें इक्वेशन के अंदर इक्वल टू के इस तरफ तो रिजल्ट वही आना है जो आपकी तकदीर में लिखा हुआ है, तो ये कैसे मुमकिन है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा और मैंने गौर किया तो फिर कॉन्स्टेंट इन द इक्वेशन की लॉजिक को मैंने अप्लाई किया कि एक ऐसा एक्स फैक्टर है हर किसी की इक्वेशन में जो कि जो भी आपके एक्शंस होंगे या किसी और के एक्शंस होंगे उसके अंदर वो कॉन्स्टेंट या वो एक्स फैक्टर जो है वो अपने आप को इस्तेमाल करेगा और आपके रिजल्ट को उस तरफ ले जाएगा जो कि आपकी किस्मत की है। कॉन्सेप्ट मतलब मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक एक चीज़ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी हर एक्शन और आपका हर रिएक्शन और आपके अराउंड लोगों के एक्शंस एंड रिएक्शंस जो हैं
वो दरअसल आपकी जिंदगी को आगे चलाए जा रहे हैं और आपकी लाइफ एक्सप्लेन करे जा रहे हैं। तो अपनी अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना जो है वो ही दुनिया का पर्पस है। और मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तो सबसे पहले इंस्पिरेशन मेरी यही थी कि मैं कोशिश कर सकूं कि लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो रियलाइज कर सकें कि अपना पर्पस ढूंढना लाइफ में कितना जरूरी है। क्योंकि अगर अगर आपको इस दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा गया है और आपको अपनी डेस्टिनी पर पहुंचना है, तो फिर वो आपके एक्शंस और आपके डिसीजंस अलोंग विथ आपके अराउंड जो लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे उनके एक्शंस और डिसीजंस, और फिर जो एक्स फैक्टर है जो कि एंड में सब चीज डिफाइन करता है, उनका टोटल निचोड़ मिलाकर आपकी लाइफ का इक्वल टू निकलेगा और आपका रिजल्ट निकलेगा। और अभी मैं एक बहुत मशहूर किताब पढ़ रहा हूँ, बहुत सालों पहले पढ़ी थी तो इतने गौर से नहीं पढ़ी थी, लेकिन द अल्केमिस्ट, उसमें यही बात की जा रही है कि अपने ओमेंस अपने निशानियों को नजर में रखें और उनको बस फॉलो करते जाएं। ये ना सोचें कि कंट्रोल करने की कोशिश ना करें अपनी लाइफ को अपनी, और बस इस एक खोज के अंदर चलें, लेकिन थोड़ा थोड़ा हवा के साथ भी चलते रहें। अगर हवा आपको एक रुख में लेके जा रही है तो उसको ट्रस्ट करें, उस प्रोसेस को ट्रस्ट करें, और फिर जो सिचुएशन बनती है उसको एम्ब्रेस करके आप आगे चलते रहें। क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब की जिंदगियां जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इसी तरह जो है फिर हर कोई अपनी डेस्टिनी को इवेंचुअली पहुंचेगा, अपनी जिंदगी का मकसद उसका पूरा होगा, और दुनिया उस चीज को जा पहुंचेगी जिस पे इस पूरी दुनिया की फिर डेस्टिनी जो है वो डिफाइन की गई है। तो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टॉपिक आज के लिए, लेकिन थोड़ा सोच मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह फिर अगली वीडियोस में इसको मैं थोड़ा और इसके अंदर थोड़ा डीप जाएंगे। लेकिन फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको इस तरह के टॉपिक्स सुनने में मजा आता है, तो मैं इस तरह की और चीजें करूँगा। एक्सपेरिमेंट है ये मेरा चैनल, जैसे कि मैं पहले भी कहा था, तो आई लुक फॉरवर्ड कि आपका क्या फीडबैक रहता है। शुक्रिया। Thank you.